अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फिज़िकल डेवलपमेंट और ये आपका कोर्स कोड है 8610 बीएड। चलें देखते हैं आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक फाउंडेशन विच इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट and you will be aware of parental development and relevant issues. You will be able to describe the development course of physical growth. You will be familiar with the physical characteristics of learners and it will develop appropriate physical activities फॉर प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का। ओवरव्यू ये है कि फिजिकल डिवेलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी स्टूडेंट की चाइल्ड की डिवेलपमेंट का एक मेन एरिया है। ये इसका सारा फोकस इस चीज़ पर है कि किस तरह से एक बॉडी स्ट्रक्चर वजूद में आता है, उसके ब्रेन सिस्टम कैसे काम करते हैं, नर्व सिस्टम कैसे काम करते हैं, मसल्स, ऑर्गन, सेंसेस और तमाम जिस्मानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से इसमें सारा जिक्र होगा। उसके अलावा एक इंडिविजुअल के बिहेवियर्स का इन डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर किसी इंसान की डेवलपमेंट के दौरान उसको ना काफ़ी ग़िज़ा मिले, एक मतवाजन ग़िज़ा ना मिले, तो उसकी साइकोलॉजी पर इस चीज़ के क्या असरात होते हैं कि अगर फिज़िकल डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो बच्चे की साइकोलॉजी में क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ताहम फिज़िकल डेवलपमेंट काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ हमें दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ता है एक बच्चे की डेवलपमेंट को जब हम मुकम्मल देख रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आज के चैप्टर का ताल्लुक फिज़िकल डेवलपमेंट से है तो हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं द ABCs ऑफ जेनेटिक, यानी जेनेटिक है क्या चीज़, इसकी बेसिक्स क्या हैं। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सेल्स, इंसानी जिस्म जो है वो करोड़ों माइक्रो यूनिट्स जिनको सेल कहा जाता है उसका एक कम्बिनेशन है। हर सेल में एक कोर कंट्रोल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। हर न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है पूरा जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। जिस क्रोमोसोम जो है उसकी खूबियाँ ये हैं कि वो हर इंसान के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इनमें से एक मदर की तरफ से मिलता है इंसान को और एक फादर की तरफ से। तीनों पेयर्स जो 23 पेयर्स हैं इन सब में हर क्रोमोसोम में वो खूबियाँ और खसूसियात पाई जाती हैं जो कि उनके पेरेंट्स में पाई जाती हैं, और वो सारी वो खूबियाँ और खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र करने की अगली नस्लों तक ज़िम्मेदारी है इस इन सेल्स की। और इन खूबियों और खसूसियात में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनमें साइज़ है, शेप है, और जेनेटिक फीचर्स हैं जिनमें स्किन कलर है, आँखों का रंग है और बालों का कलर है। उसके अलावा कुछ जैसे जिबली आदात या नेचुरल जो चीज़ें हैं कुछ वो भी ट्रांसफ़र होती हैं नेक्स्ट आपकी जनरेशन में, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस ट्रांसमिशन के अगली नस्लों तक यानी ट्रांसमिशन के ज़िम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। जेनेटिक इनहेरिटेंस, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड थ्रू देयर जीन्स। इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अपेयरेंस सच एज हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, द कलर ऑफ द आइज, द
टेक्सचर ऑफ द हेयर एंड इवन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड्स. डिजीज आर डिजीज एंड कंडीशंस सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटिक, ओबेसिटी, ईटीसी कैन ऑल्सो बी पास्ड थ्रू जीन्स, देयर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एडवर्सली. However, environmental factors and nurturing can bring the best out of the already parent qualities in the genes. ये वही बात है जो मैंने पिछली स्लाइड पर कही कि genetic inheredity वो चीज़ है जो parents की तरफ से जो chromosomes के pairs के through चीज़ें transfer हो रही हैं वो सब जेनेटिक इनहेरिटेंट यानी आपका जिनियाती जिसको कहते हैं वरसा कहलाएंगी. और उसमें ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, आँखों का रंग, स्किन का कलर, इसके साथ साथ हेयर्स का जो टेक्सचर है वो भी, और जो चीज़ें नहीं दिखती उनमें हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड यानी उनके रुझानात, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जहानत, ये सब बच्चों को उनके पेरेंट्स की तरफ से विरासत में मिलती है. उसके अलावा और क्या विरासत में मिलता है कि डिजीज़ और बीमारियां, जिस तरह के हाँ आजकल हम देखते हैं कि शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इस तरह से दिल की बीमारियां, ये सब भी अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र होती हैं. इनको बेहतर किया जा सकता है एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, लेकिन ये आपके जीन्स में मौजूद रहती हैं और किसी भी टाइम आपकी बेएहतियाती जो है वो इनको ऊपर ला सकती है, आप पर हावी कर सकती है. इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो ग़िज़ा और खाने पीने के जो मामलात हैं उनसे भी इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस पर, लेकिन उसको बेहतर किया जा सकता है. लेकिन बहरहाल वो मेन किरदार अदा करती हैं किसी भी बच्चे की नशोनुमा में. क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक सीरीज़ ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और इनको डीएनए कहा जाता है. डीएनए में टेंडेंसी होती है कि वो अपना डुप्लीकेट तैयार करता है खुद अपने ही प्रोसेस के थ्रू, और फिर इसको आगे कॉपी करके उसको फिर प्रोड्यूस करता है एक नया सेल, और जिसके नतीजे में फिर वो सारा पैटर्न जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है. हर डीएनए के पास थाउजेंड्स जीन्स होते हैं जिनके जो क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं, और वो सब जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं. जीन्स एंड एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड इट रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन इन द चाइल्ड स्टिमुलेशन द चाइल्ड रिसीव. देखें यहाँ पर ये वही बात कही जा रही है कि एनवायरनमेंट एक अहम और तनकीदी रोल प्ले करता है बच्चे की डिवेलपमेंट में. माहौल का एक असर है जो टोटल किरदार अदा करता है उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट में भी. सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फिजिकल सराउंडिंग्स एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द प्लेस द चाइल्ड लिव इन एज वेल हिज सोशल एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड पीयर्स. पिछले चैप्टर में हमने ये बात की थी कि माहौल जो है वो बहुत किरदार अदा करता है बच्चे की जज्बाती, जहनी और सोशल डेवलपमेंट में, और यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूर मुतासर करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को. उसकी फिज़िकल सराउंडिंग्स, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी वो किस माहौल में रह रहा है, क्या वो शदीद गर्म इलाकों में रह रहा है या वो बहुत मोतदिल आबो हवा के इलाकों में रह रहा है बच्चा या वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट हो रही है. तो आप देख लें कि शुमाली इलाका जात में जहाँ हमारे यहाँ मौसम ठंडा होता है वहाँ के रहने वाले जो इंसान हैं, बच्चे हैं, उन सब के कलर कम्प्लेक्शंस किस तरह के होते हैं. जेनेटिक भी ये चीज़ें हैं लेकिन इसके साथ साथ इस पर माहौल के भी असरात होते हैं. उसके अलावा यहाँ पर बच्चे की जो ज़िंदगी है उसमें सोशल एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप और फैमिली और दोस्तों का बहुत किरदार है उसकी नशोनुमा के अंदर.
इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट अ वेल नर्चर्ड चाइल्ड इज बेटर देन अ डिप्राइव वन। ये साफ जाहिर है, हम सब जानते हैं कि अगर किसी को अच्छी ग़िज़ा मिली हो और उस बच्चे की नशोनुमा में और कोई महरूम है ग़िज़ाई जो मतवाजन ग़िज़ा है उससे, तो उसकी नशोनुमा में बहुत फ़र्क होगा। द एनवायरमेंट चिल्ड्रन आर कंसिस्टेंटली इमर्स इन कंट्रीब्यूट्स टू दिस। हर माहौल का जो फैक्टर है वो किरदार अदा करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, उसके ब्रॉटअप में। अ गुड स्कूल एंड अ लविंग फैमिली बिल्ड्स इन चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स विच विल इनेबल देम टू एक्सेल इन द अदर एरियाज सच एज एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये बात फिर से माहौल की जा रही है कि अगर एक अच्छी फैमिली होगी, केयरिंग और लविंग फैमिली होगी जो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सिखाएगी रिलेशनशिप की, और जब बच्चे की रिलेशनशिप की सोशल नीड्स की सेटिस्फेक्शन हुई होगी तो वो अपनी बाकी स्किल्स में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, बेहतर लर्निंग होगी उसकी जो उसको आगे लेकर जाएगी एकेडमिक कामयाबियों में भी, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी उसको, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल में दूसरी जो हमने सभी सरगर्मियां हैं उनमें भी वो बेहतर हिस्सा ले सकेगा अगर उसकी घर से फैमिली से उसकी इमोशनल और सोशल जो नीड्स हैं वो पूरी हुई होंगी। तो दिस विल ऑफ कोर्स बी डिफरेंट फॉर चाइल्ड हु आर रेज्ड इन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ अगर हम दूसरे बच्चे की मिसाल लें जो एक टेंशन वाले माहौल में, एक घर में लड़ाई झगड़े के माहौल में परवरिश पाएगा तो वो उस तरह से अपनी पढ़ाई और जो हमने सभी सरगर्मियां हैं उनमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह के हमने एक इमोशनली और सोशली सेटिस्फाइड बच्चे की मिसाल पिछले पॉइंट में ली थी। जीन्स एंड एनवायरनमेंट, जीन्स एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर टू फॉर्म बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जीन्स से जो वरसे में जो विरासत में बच्चों को चीज़ें मिली हैं उसके साथ साथ जो माहौल बाहर दुनिया में बच्चे को मिल रहा है इस वक्त, जहाँ वो परवरिश पा रहा है, जहाँ उसकी ग्रोथ हो रही है, ये दोनों चीज़ें मिलकर ही बच्चे के बिहेवियर का पैटर्न जो है वो डेवलप करती हैं कि वो बच्चा एंग्री बनेगा, केयरिंग बनेगा, या फिर एक खुश अखलाक बच्चा होगा, या कि एक गुस्सैला बच्चा होगा। These influences are unique to each individual, caused by multiple factors and lead to multiple directions. ये जो माहौल और जेनेटिक असरात हैं, माहौल के असरात हैं, उसके साथ साथ जीन्स के असरात हैं, ये हर इंडिविजुअल पर मुख्तलिफ असरात छोड़ते हैं। इन दोनों का कम्बिनेशन, जीन्स और माहौल का कम्बिनेशन, हर बच्चे की डेवलपमेंट में एक डिफरेंट तरह से किरदार अदा करता है। हर बच्चे के साथ और भी मुख्तलिफ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी डेवलपमेंट में किरदार अदा कर रहे होते हैं, माहौल और जीन्स के साथ साथ जो मल्टीपल डायरेक्शंस में होते हैं। सो इज़ द आइडेंटिकल ट्विन्स लिविंग इन द सेम कॉन्टेक्स्ट मे डिवेलप सम डिसिमिलर ट्रेट्स। यहाँ पर वो एक मिसाल दी जा रही है कि अगर एक ट्विन बेबीज़ हैं और वो एक ही माहौल में परवरिश पा रहे हैं, एक ही घर में परवरिश पा रहे हैं, एक जैसी सहूलियात, एक जैसी ग़िज़ाई सहूलियात के साथ, लेकिन फिर भी उनमें, उनकी खूबियों में, उनकी खसूसियात में, उनकी पहचान में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं उसके बावजूद कि वो ट्विन्स हैं। टाइम पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ इज़ रेफर्स टू द पेरेंटल डिवेलपमेंट। जब कोई भी मदर बच्चे को कंसीव करती है और
जब तक वो उसकी पैदाइश नहीं हो जाती, उस 9 मंथ या 40 वीक्स का जो पीरियड है उसको पेरेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। इट हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस्ड ऑन द वेल बींग ऑफ द चाइल्ड इन लेटर लाइफ, और जो उस वक्त उस परवरिश के जो वो माँ के पेट में उसकी हो रही है उस दौरान जो भी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी, जो भी असरात उसकी ग्रोथ पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालेंगे, वो बाद में बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जब वो परवरिश पाकर एक मुकम्मल बड़ा इंसान बनता है। पेरेंटल डेवलपमेंट कंप्राइज 9 मंथ्स विच आर फर्दर करेक्टराइज्ड बाय 3 पीरियड्स इंक्लूडिंग जायगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस। जो बात हमने अभी पहले की कि 9 मंथ या पेरेंटल डेवलपमेंट का टाइम है, उसमें भी 3 स्टेजेस हैं उन 9 मंथ के दौरान। पहली स्टेज जायगोट, दूसरी एम्ब्रियो एंड तीसरी फिटस। इस सारे टाइम के दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां डेवलपमेंट के हवाले से बच्चे के अंदर रोनुमा होती हैं। इट इन्वॉल्व्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स बींग। ये सारा जो पहला एम्ब्रियो का दौर है, ये सेल्स को मल्टीप्लाई करने का दौर है, जहाँ पर एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग की बॉडी स्ट्रक्चर बनने से पहले सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। एम्ब्रियो बिगनिंग ऑफ द 3rd वीक, ये तीसरे हफ्ते की उम्र से माँ के पेट में इसका इस दौर का आगाज़ होता है, एंड लास्ट अनटिल द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ यानी 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक ये टाइम एम्ब्रियो पीरियड कहलाता है। एम्ब्रियो के दौरान के जो पीरियड है 8 हफ्तों का, उसकी खसूसियात और ख़ूबियाँ ये हैं कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द मोस्ट रैपिड चेंज ड्यूरिंग पेरेंटल पीरियड विच सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। ये जो 8 हफ्तों का टाइम है, यहाँ पर एक पेरेंटल पीरियड का एक बहुत बेसिक टाइम है और एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर अगले जो पेरेंटल पीरियड का वक्त है उसकी बुनियाद रखी जा रही है बॉडी, बच्चे की बॉडी पार्ट्स के हवाले से, और उसके जो स्ट्रक्चर और सिस्टम है, जो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, डिफरेंट निज़ाम तनफ्फुस है, निज़ाम इन्हज़ाम है, और दीगर जो इंसानी बॉडी के निज़ाम हैं, उन सब का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इन 8 हफ्तों के दौरान उसकी बुनियाद रखी जाती है। फिर हम देखते हैं कि फिटस पीरियड, द लॉन्गेस्ट पेरेंटल पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th वीक एंड लेट्स लास्ट टिल बर्थ। यानी जब हमने देखा कि एम्ब्रियो का टाइम 8 हफ्तों तक का था, वो जब गुजर जाता है तो फिर फिटस पीरियड शुरू होता है, जो कि प्रेगनेंसी का 3rd मंथ और अगर वीक्स के हवाले से कहेंगे तो 9वें हफ्ते से स्टार्ट होता है और बच्चे की पैदाइश तक जारी रहता है। इस वक्त के दौरान जो इसकी खूबियाँ हैं या खसूसियात हैं, वो ये हैं कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इमेंस फिजिकल ग्रोथ एंड फिनिशिंग। ब्रेन्स ग्रोथ इज़ एट इट्स पीक एट दिस स्टेज। यहाँ पर जो फिजिकल फिनिशिंग, यानी हम जो बॉडी पार्ट्स हमने पिछले 8 हफ्तों में देखे जब एम्ब्रियो का दौर गुजर रहा था, तो उसमें जो बॉडी पार्ट्स बने हैं बहुत स्मॉल साइज में, उनकी फिनिशिंग हो रही होती है इस सारे टाइम के दौरान। जब अगला फिटस का टाइम आपका चल रहा है, यहाँ पर जो दिमाग की ग्रोथ है वो एक पीक स्टेज पर होती है, यहाँ पर एक इंतहाई यानी स्टेज पर ब्रेन की ग्रोथ हो रही है। सो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एनवायरमेंटल रिस्क इस दौरान क्या होते हैं? डिस्पाइट मिनिमल कॉन्टैक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड, यानी बाहर की दुनिया के साथ उस बच्चे का लिंक बहुत ही ना होने के बराबर है, फिर भी अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इफेक्ट एंड कॉज डैमेज टू द डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फिटस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस वक्त के दौरान जो 40 हफ्तों का या 9 माह का वक्त है माँ के पेट में, इस दौरान भी
माहौल के असरात बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ते हैं। दिस पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ टेटोगनेस इंक्लूड्स फिजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, डेवलपमेंटल डिलेज, इवन डेथ। ये माहौल के जो असरात हैं वो किस किस तरह से डैमेज कर सकते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को, कि उसको फिजिकल डैमेज हो सकता है, उसके किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान हो सकता है उसकी परवरिश के दौरान, और उसके अलावा उसके कुछ नफसियाती पहलू भी हो सकते हैं उसके डैमेज के। उसके अलावा उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट डिले, यानी उसके उसकी ये हो सकता है कि वो कम वज़न रह जाए या फिर उसकी उसकी हाइट कम रह जाए, तो ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है कि माँ के पेट में ही उसकी परवरिश के दौरान ये सारी कमियाँ रह जाएं, और हत्ता के बच्चे की डेथ भी वाक़ हो सकती है माहौल के असरात और रिस्क के तहत। द मोस्ट क्रिटिकल ट्रेगोनिस फॉर द एक्सपेक्टिंग मदर्स आर कंसेप्शन ऑफ, ये सारा जो ख़तरा और रिस्क है वो जो एक माँ बनने वाली है उस औरत के लिए तब होता है कि अगर वो तंबाकू नोशन करे या कोई कैफीन या अल्कोहल, ये नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से भी हो सकता है। उसके अलावा जब नशावर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या खतरात हैं, तो हम देखते हैं विच में रिज़ल्ट ऑफ प्री मेच्योर बर्थ, बच्चे का वक्त से पहले पैदा हो जाना, या लो बर्थ वेट, कम वज़न का बच्चा पैदा होना, और अदर फिज़िकल डिफेक्ट्स, कोई भी और जिस्मानी डिफेक्ट या कमी या खामी रह सकती है। मेटर्नल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिजीज़, एज, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट पेरेंटल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी जो बीमारी है किसी माँ की बीमारी है, कोई एक्सरसाइज प्रॉपर ना करना या फिर वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एहतियाती एक्सरसाइज की बजाय कुछ और डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करें, या फिर गजाई ज़रूरियात का अगर माँ की जो है वो ख्याल ना रखा जाए, या कोई उसको इमोशनल स्ट्रेस हो, तो वो भी एक इस दौर का जो पेरेंटल दौर हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इट मे हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव कंसीक्वेंसेस फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, इन ये सब चीज़ें जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए उसके उस जब वो एक इंसान बनेगा तो उसमें लॉन्ग टर्म कुछ नेगेटिव असरात भी उस बच्चे की सेहत पर और उसकी पर्सनैलिटी पर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल रिस्क की बात अभी जारी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब यहाँ हम जिक्र करेंगे कि माहौलियाती आलूदगी एंड एक्सपोजर टू द रेडिएशंस एंड टॉक्सिन्स कैन काज द कंसिडरेबल हार्म टू द डेवलपमेंट फिट्स फिटस। अगर हम बात करें कि माहौल की जो आलूदगी है या फिर कुछ रेडिएशन जैसे एक्सरेज करवाए जाते हैं या कोई अल्ट्रासाउंड हैं या इस तरह की जो दूसरी इलाज के तहत भी हमें कहीं रेडिएशन का, या उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा हम किसी ऐसे माहौल में हों जहाँ टॉक्सिन्स हैं, ये सब भी नुकसानदेह होते हैं उस बच्चे की डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान। अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एक्सपोजर इन रेडिएशन से क्या नेगेटिव असरात हैं जो बच्चे की नशोनुमा पर हो रहे हैं। इट मे रिज़ल्ट इन फिज़िकल डिफॉर्मिटीज, ब्रेन डैमेजेस एंड कॉग्निटिव डिफेक्ट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या एक्सपोजर टू रेडिएशन होगी तो वो वजह बन सकती है बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में कोई कमी रह जाए, उसके फिज़िकल ऑर्गन्स में कुछ कमज़ोरी रह जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो नामुकम्मल हों, मगर वो मुकम्मल भी हों लेकिन वो उतने स्ट्रेंथन ना हों कि वो बड़े होकर जैसे बच्चे बाज बच्चे हैं उनके ब्रेन की जो डैमेज हो जाता है, कॉग्निटिव उनकी यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो डेवलप नहीं हो पाती है, तो ये भी एक तरह की
जो जिस्मानी माजूरी हम कह सकते हैं या जहनी माजूरी उसका शिकार हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स टू मिनिमाइज द पॉसिबल एक्सपोजर टू टेराटोजेन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। तो ये एक जो पेरेंट बनने वाले हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अहम है उनके लिए कि वो इस सारे एक्सपोजर को इस तरह के एनवायरमेंटल पोल्यूशन से या रेडिएशन से अपने होने वाले बच्चे को महफूज रखें। फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब हम देखेंगे कि जब बच्चे की पैदाइश के बाद जो उसका टाइम है उसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होती है। द कोर्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, चेंज इन बॉडी साइज। फिजिकल ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन बॉडी साइज, लेंथ और हाइट और वेट एंड इन द साइज ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम बर्थ टू अबाउट वन एज 1 or 2 year चिल्ड्रन ग्रो रैपिडली। हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जितना वज़न होता है वो अगले 1-1.5 माह में उसका वज़न कितनी तेज़ी से बढ़ता है, फिर उससे अगले महीनों में वो दुगना और 3 गुना होता चला जाता है। इसी तरह हमने पिछले चैप्टर में भी जिक्र किया था कि पहला जो उसका फेज़ है माँ के पेट के बाद बाहर की दुनिया में वो तकरीबन 1 पैदाइश से लेकर 2 साल तक का होता है। तो इस सारे अरसे में बच्चा जो है वो उसकी डेवलपमेंट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, बाकी सारी लिहाज से बहुत रैपिडली होती है, बहुत तेज़ी से होती है। इस टाइम के बाद यानी 2 साल के बाद ग्रोथ कदरे स्लो हो जाती है एंड फिर तेज़ी से इंक्रीज होती है अगेन जब वो अर्ली एडोलसेंस की उम्र में आता है, यानी 10 से 14 साल तक की उम्र में आता है। तो तब अचानक से एक बार फिर बच्चे जैसे कद काठ निकाल लेते हैं, उनका वज़न भी बढ़ता है उस दौरान में और बाकी सारी जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स हैं उस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही होती हैं ज़्यादा। उसके अलावा हम देखते हैं कि फिर अचानक से सडन डिक्लाइन शुरू होता है जब वो एडल्ट ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, यानी 20-21 साल, 18 साल की उम्र तक जब उनकी जिस्मानी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक ठहर जाती है। चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंट सेगमेंट्स। द फर्स्ट ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन हाईलाइट्स द हेड टू टो पैटर्न। यानी पहली जो ग्रोथ है बच्चे की, जैसे हमने तस्करा किया पिछले स्लाइड में कि 1 से 2 साल तक की उम्र की जो ग्रोथ है उसमें सर से पाँव तक बच्चे की जो ग्रोथ है वो चल रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी वुड लर्न टू होल्ड अप हिज हेड वे बिफोर ही कुड वॉक। यानी पहले बच्चा अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है। आप देखें, अगर आप 2 से 3 माह तक के बच्चे को उठाएं, गोद में भी उठाएं, तो वो अपना सर कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमें उसके सर के नीचे हाथ रखना पड़ता है। इसी तरह से जब बच्चा अगले यानी 6 मंथ तक, जब तक वो सर को कंट्रोल कर लेता है तो बैठना शुरू करता है। उससे पहले वो बैठना नहीं सीख सकता जब तक कि उसको अपना हेड कंट्रोल करना नहीं आता, और जब वो बैठना सीख लेता है तो उसके बाद ही वो चलना सीखता है ताकि वो अपनी बॉडी के कंट्रोल्स जो हैं वो रफ्ता रफ्ता उनको खुद सीख ले। द नेक्स्ट पैटर्न फॉलोज टू इन साइड टू आउटसाइड और सेंटर टू आउटसाइड पाथ पाथ। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स अराउंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी ग्रो स्ट्रोंगर बिफोर द मसल्स इन द हैंड्स फीट। तो यहाँ पर मिसाल दी गई है कि जिस तरह से बच्चे के पहले हमने कंट्रोल्स के हवाले से बात की है पिछले पॉइंट पे कि वो अपना सर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो तब यानी सर से पाँव तक का जो कंट्रोल है उसके एक स्टेप्स बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वो इनसाइड से आउटसाइड उसकी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स, पहले मसल्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर वाले अंदरूनी मसल्स हैं उसके बाद जाकर उसके हाथों और पाँव की उंगलियों और इन मसल्स की जो है ना वो
स्ट्रांग होंगे, पहले इनर मसल्स स्ट्रांग होंगे और बाद में आउटर बॉडी के मसल्स स्ट्रांग होंगे। चेंज इन मसल्स फैट मेकअप। बॉडी फैट इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट इन इन्फेंसी, इट इज कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडल चाइल्डहुड। मसल्स बिल्ट अप एट अ मच स्लोअर रेट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड व्हेन कंपेयर टू द एडोलेसेंस पीरियड एज दे स्टार्ट टू डिवेलप रैपिडली। यहाँ पर बात हो रही है मसल्स के फैट और बनने की, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि बॉडी फैट इंक्रीज होते हैं फास्टर देन इन इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड से ज़्यादा जब बच्चे थोड़े अर्ली मिडल चाइल्डहुड में आते हैं तो तब इनकी रिड्यूस हो जाती है स्पीड मसल्स की ग्रोथ की। पहले 2 साल में ज़्यादा है इन्फेंसी के जो दौर है उस फेज़ में, और उसके बाद जब बच्चों का अर्ली मिड या मिडल चाइल्डहुड का दौर है तो वहाँ पर ये थोड़ी रिड्यूस हो जाती है मसल्स के जो फैट्स हैं इनकी स्पीड, इनकी डेवलपमेंट की स्पीड। मसल्स बिल्ट अप एज मच स्लोअर रेट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। यहाँ पर स्लोअर रेट होता जाता है इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड फेज़ में आते हुए। व्हेन कंपेयर टू द एडोलसेंस पीरियड एज दे स्टार्ट टू डेवलप, यानी अब हम देखेंगे कि जब वो एडोलसेंस पीरियड में आते हैं तो फिर उनके डेवलपमेंट ज़रा तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है अगेन मसल्स की, बिकॉज वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो कुछ ना कुछ जिस्मानी अपनी सरगर्मियाँ स्कूल में और घर में गेम्स वगैरह खेलने के हवाले से बात करें तो उस वक्त उनके अंदर ये तब्दीली आती है। अब हम बात करेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में, 4th पॉइंट स्केलेटल ग्रोथ की, यानी एक जिस्मानी जो ढांचा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से इस वक्त बात हो रही है। फिज़िकल मेजोरिटी इज़ एस्टिमेटेड बाय स्केलेटल ग्रोथ और एज विच स्पेसिफाइज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बोन्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एपिफी एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर मर्ज्ड। द मेजर्स दिस मेजर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन फिजिकल डिवेलपमेंट। यहाँ पर बात हो रही है कि जब जिस्मानी हम ढांचे की बात करते हैं तो इसमें भी इसकी ग्रोथ और मेचोरिटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ ग्रोथ है, और ये डिफ़िकल्ट है इसका हम काजेज और कंसिक्वेंसेस का अंदाज़ा लगाना कि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से क्या फ़र्क पाया जाता है और क्यों ऐसा होता है। ज़ाहिर है इसकी वजूहात हम जो उसका प्री बर्थ जो था प्रोसेस उस दौरान में होने वाले जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे को, तो उनकी जो स्केलेटल ग्रोथ है उस पर भी असरात बाद में भी देखे जा सकते हैं उस सारे दौर के। फिज़िकल मेचोरिटी इज़ एस्टिमेटेड बाय स्केलेटल ग्रोथ और एज विच स्पेसिफाई अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी बोन्स। जब जिस्मानी हड्डियाँ जो हैं उनकी डिवेलपमेंट जितनी होगी उसी तरह ही उस बॉडी का ढांचा उसकी डेवलपमेंट होगी, और ये जो है स्पेशल ग्रोथ सेंटर है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है एपिफिजिस, इनके हाँ जो स्टडी की जा रही है उसमें वो देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की जो बोन्स की डेवलपमेंट है वो कितने देर तक होती है और कब तक जारी रहती है और कब वो रुक जाती है। और उसके अलावा ये देखा जाता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की फ़िज़िकल डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता है और फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ़िज़िकल डेवलपमेंट के हवाले से क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। चेंज इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर लार्जर मूवमेंट्स,
बेबी मेक्स विद आर्म्स लेग्स फीट और एंटायर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल क्रॉलिंग रनिंग एंड जम्पिंग। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि, और उसके अलावा आपने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि बच्चे अपने जो मोटर स्किल्स हैं, यानी जो उनकी हर की स्किल्स हैं, चीज़ों को बॉडी पार्ट्स को हरकत देने के हवाले से, वो उम्र के साथ साथ इम्प्रूव होती हैं। जैसे कि पहले बच्चे क्रॉलिंग करना सीखते हैं, फिर रनिंग और जंपिंग भी करना सीखते हैं, और इसी तरह से साथ साथ फिर वो फाइन मोटर स्किल्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर स्मॉलर एक्शन सीखते हैं कि चीज़ों को पकड़ना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है। अब यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं जैसे बच्चा एक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को रख रहा है, तो ये उनका बैलेंस करना जो है वो एक मोटर स्किल्स का एक जो मुजाहरा है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये इनमें दिन ब दिन पुख्तगी आती चली जाती है। जैसे कि बेबी कैन कंट्रोल हिज आर्म्स बिफोर हिज हैंड्स, यानी हाथों को कंट्रोल करने से पहले वो बाजुओं का कंट्रोल करना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग राइटिंग एंड कटिंग विद सीजर, जिस तरह से बच्चे अभी देखें कि जब लिखना पढ़ना सीख रहे होते हैं तो उनको पेंसिल होल्ड करनी नहीं आ रही होती है, फिर आप टीचर जो हैं या पेरेंट्स उनको हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, और फिर उसके बाद वो उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इतनी इम्प्रूव हो जाती हैं कि वो खुद से लिखना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो जो उम्र और उनके स्किल्स में इजाफा होता है तो वो ड्राइंग राइटिंग और उसके साथ कैंची के साथ काटना, ये सारे जो स्किल्स हैं उनको सीखते चले जाते हैं, इम्प्रूव करते चले जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन फिजिकल डिवेलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इज डिपेंड्स ऑन बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो जीन्स के थ्रू बच्चों की ग्रोथ और डिवेलपमेंट में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके अलावा माहौल के असरात भी बच्चों को इस डिवेलपमेंट फेज में काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन मैनिपुलेटिंग फिजिकल डिवेलपमेंट। बिल्कुल ठीक कि जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और हार्मोनल इन्फ्लुएंस है वो तो एक मरकज़ी किरदार अदा करता ही है बच्चे की फिज़िकल डिवेलपमेंट में, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे कि सम ऑफ द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर आल्सो क्रिटिकल सच एज न्यूट्रिशनल इनटेक्स। जितना ग़िज़ा वो खाएंगे, अब वो जेनेटिकली वो बहुत एक हेल्दी पेरेंट के बच्चे हों, ठीक है, लेकिन जब पैदा हुए, जब वो अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं जहाँ उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, वहाँ उनको अगर मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती, ग़िज़ाई कमी का वो शिकार हो जाते हैं, तब भी वो उस तरह से उनकी हेल्थ और डेवलपमेंट बरकरार नहीं रह सकती। अगरचे उनके जीन्स में उनको विरसे में मिली हो अच्छी सेहत, उनके पेरेंट्स की सेहत अच्छी हो, वेट ज़्यादा हो, हेल्दी हो, बॉडी हो, सारा कुछ हो, मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ग़िज़ाई कमी की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट में ये चीज़ें कमी रह सकती है। तो ये ग़िज़ाई जो इनटेक है वो हम एक माहौलियाती फैक्टर कहेंगे इसको। इमोशनल वेलबींग, हाँ, अगर बच्चे के साथ कोई उसके साथ मुसलसल नफ़रत का इजहार कर रहा है, कोई अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं, दोनों सूरतों में बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो मुतासिर होती है। जैसे आजकल के बच्चे हैं वो कार्टून्स के बिना कुछ खाते पीते नहीं हैं, वीडियोस यूट्यूब चैनल टीवी पे कार्टून देखने हैं, पॉइंट्स देखनी हैं, फलां चीज़ देखनी है, वीडियो गेम्स खेलनी है, और उस दौरान वो अगर उनको वो चीज़ें उनकी पसंद की प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना पीना रोक देते हैं, और उनकी डेवलपमेंट में ये सारी जो चीज़ें हैं वो किरदार अदा करती हैं अपनी। इसी तरह कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि अगर हम कहें कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ये लड़की है इसको तो कम ग़िज़ा देनी चाहिए, हमें लड़कों को ज़्यादा खिलाना पिलाना है क्योंकि उन्होंने बड़े होकर कमा कर लाना है, घर संभालना है, तो ये इस तरह की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी
फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के इन्वायरमेंटल फैक्टर बनकर सामने आती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर अभी जारी हैं। फिजिकल ग्रोथ इज़ हाईली डिपेंडेड ऑन न्यूट्रिशनल इंटेक्स। यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंटेक की अब ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू ईट सफिशेंट फूड बट आल्सो ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। जी बिल्कुल, अगर आप बच्चों को फास्ट फूड खिलाते रहेंगे, बर्गर्स खा रहे हैं और जनाब लेज खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, इस तरह की गिज़ा तो वो बहुत सारी ले रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन वो राइट काइंड ऑफ फूड नहीं है, जिसकी वजह से उनकी फिज़िकल ग्रोथ बहुत मुतासिर होगी, उसकी डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आप राइट काइंड ऑफ फूड खाएंगे, बच्चे को राइट काइंड ऑफ फूड देंगे जो उसकी बॉडी नीड्स के हवाले से, उसकी ग्रोथ के हवाले से उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें बैलेंस है सारी चीज़ों का, एक मतवाजन गिज़ा है जिसमें दूध की भी मुनासिब मकदार हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी मुनासिब मकदार हो, प्रोटीन भी उनको मिल रहा हो, उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी टेस्ट कराया जाए ताकि वो लेटर ऑन इन चीज़ों से भागे नहीं, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखने में, फिज़िकल हेल्थ को और ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। बिसाइड्स एनजाइटी, फियर एंड इमोशंस, डिप्रिवेशन में हिंडर फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, इसके बावजूद कि आप राइट काइंड ऑफ फूड दे रहे हैं और बच्चे की सारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो बेहतर अंदाज में पूरी करें, उसके बावजूद बच्चा किसी इमोशनल फियर का शिकार है, किसी खौफ का शिकार है, किसी परेशानी में रहता है, या कोई उसको सेंस ऑफ महरूमी है, तो ये उसके बावजूद वो सारी जो आपकी बेहतर ग़िज़ा है, बैलेंस ग़िज़ा है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट पे उस तरह से असर नहीं होगा जिस तरह के एक इमोशनली सेटिस्फाइड बच्चे का होता है जो किसी भी फियर और खौफ और एनजाइटी में मुब्तला ना हो। चिल्ड्रन नीड टू मूव, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। जब बच्चे पढ़ने की एज में आ जाते हैं, 5 से 6 साल की उम्र के हो गए, तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, और ये वो स्टेज है जब बच्चे प्री स्कूल यानी आप स्कूल दाखिल होने ही वाले हैं, या फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल लेवल, यानी उनका पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का जो लेवल है वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल कहलाता है, और उस वक्त उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है उसमें वो एक सपोर्टिव रोल अदा करें, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इम्प्रूव्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की जो मसल्स की, जो बॉडी ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन है, जो साइकोमोटर स्किल्स हैं, उन सब को इम्प्रूव करती है। इट आल्सो रेफर्स टू एज विजुअल मोटर इंटीग्रेशन स्किल्स बिगिन टू डिवेल्प ड्यूरिंग इन्फेंसी। यानी ये जो उसका बर्थ के बाद का जो एज पीरियड है, एज स्पैन है, वहाँ से ये डेवलपमेंट शुरू होती है, और इट कंट्रोल्स द हैंड्स मूवमेंट्स ऑफ अ चाइल्ड गाइडेड बाय हिज और हर विजन। यानी जब वो किसी भी चीज़ को पकड़ना चाहता है, किसी भी चीज़ को हाथ में होल्ड करना चाह रहा है, तो वो कंट्रोल, उसको पहले उसके आइज़ कंट्रोल करना वो सीखेगा कि वो उस चीज़ के ऊपर नज़र जमा सके। आप देखें, बहुत छोटे बच्चे, जब बच्चे पैदा होते हैं इवन, तो वो हमारी तरफ देखते नहीं कभी, उनकी एक और दोनों आंखों की कोऑर्डिनेशन भी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जो जो उनकी उम्र बढ़ती है, 1 माह 2 माह, तो वो आइज़ कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो अपनी जिस तरफ उनको हम आवाज़ देते हैं तो वो उस तरफ मुतवज्जे होकर उसी तरफ अपनी आंखों को घुमाकर और उस तरफ अपने विजन को कंट्रोल करना यानी सीख लेते हैं। तो विजन पहले कंट्रोल करना सीखेंगे, तभी जाकर वो हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। दिस कोऑर्डिनेशन इज नॉट सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग इन्फेंसी। ये इतनी खूबसूरत नहीं होती है कोऑर्डिनेशन हाथों और आंखों की इन्फेंसी जो टाइम ऑफ लाइफ है बच्चों का। इट रीच टू द पॉइंट ऑफ नियर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर।
हाँ, ये उस वक्त बेहतरीन हो जाती है ये सारी कोऑर्डिनेशन आँखों और हाथों की, जब वो प्री स्कूल एज में होते हैं, तकरीबन 4 से 5 साल तक की उम्र में होते हैं। इट कंटिन्यू टू इम्प्रूव थ्रू थ्रू मिडल चाइल्डहुड, तो ये तकरीबन उनकी 11-12 साल तक की उम्र तक ये प्रोसेस जो है आँखों और हाथों की कोऑर्डिनेशन का, ये इम्प्रूव होता चला जाता है। इम्प्रूव्ड बाय बॉडी कोऑर्डिनेशन, अभी हमने हाथों और आँखों की कोऑर्डिनेशन की बात की थी, अब हम बाकी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस आर क्रिटिकली फिजिकल एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी जिस्म का तवाजन बरकरार रखना और फिर अपने विश के मुताबिक अपने हाथ पाँव टांगों सर आँखों को हरकत देना, कोऑर्डिनेट करना इन सारे पार्ट्स का। प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन शो इंक्रीज्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग क्लाइंबिंग, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे कोई भी गेम प्ले करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या और क्रिकेट खेलते हैं, और इस तरह से हॉकी की है, कोई और प्लेज हैं, अपना वॉकिंग के कोई रनिंग के कोई मुकाबले हैं, उन सब में आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो फिजिकल कोऑर्डिनेशन है, बॉडी कोऑर्डिनेशन है, वो इंक्रीज हो चुकी होती है प्री और प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक। यानी आप बच्चे जब स्कूल दाखिल होते हैं और उसके बाद वो उनकी एज जब 11-12 साल तक पहुंचती है, तब तक की ये उनकी सारी खूबियां बताई गई हैं। दे कैन स्टिल फॉल इजिली, तब भी वो गिर जाते हैं आसानी से। इट इज दस इम्पोर्टेंट टू रिमेन विजिलेंट एंड इंश्योर सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन मेयर्स। तो यहाँ पर टीचर्स का और जो बच्चे के साथ केयर टेकर हैं स्कूल में या घर पे, उन सब का ये फ़र्ज़ है कि वो इस दौरान बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखें और इस तरह की गेम्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की सरगर्मियों में उनको इन्वॉल्व करें जितना के एबिलिटी उनकी बॉडी में है, जो उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन उस जितनी एबिलिटी वो उस वक्त है। अगर आप इस दौरान एक्टिविटीज़ करवाएं तो उनके ऊपर उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, इंजरी के हवाले से प्रिवेंशन मेयर्स का ख्याल रखें। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर में अब हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव्ड परसेप्चुअल एबिलिटीज़। ऑल्दो द फाइव बेसिक सेंसेस आर वेल डेवलप्ड एट बर्थ, यानी बच्चे की जो सुनने की देखने की चखने की सूंघने की और टच करने की जो हिस्स है, फाइव सेंसेस उनकी बात हो रही है, वो अगरचे बच्चे की पैदाइश के टाइम तक सारी वेल डेवलप्ड होती हैं, लेकिन बच्चा उसकी उसकी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ की जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू करता है अपने एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स तक, और ये एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती रहती हैं, बच्चे को मदद देती हैं इंटरेक्ट करने में दूसरे लोगों के साथ, जिसमें फिजिकल और सोशल वर्ल्ड जो उनकी है यानी जिस्मानी और सोशल जो दुनिया है उसमें इफ़ेक्टिव वे में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में ये फाइव्स जो सेंसेस हैं वो उसको हेल्प करती हैं, जो इम्प्रूव होती जाती हैं एलिमेंट्री लेवल तक मज़ीद। इम्प्रूव्ड ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट फॉलोज द जनरल टू स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न अमंग चिल्ड्रन। यानी पहले वो जनरली उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हुई होती हैं, लेकिन अब वो स्पेसिफिक होती जाती हैं, यानी अगर वो पहले किसी चीज़ को पकड़ना सीख रहे थे तो अब वो उस पेंसिल को पकड़ना सीख रहे थे, तो अब वो उसके साथ स्केच बनाना भी सीख चुके हैं, वो फाइन हो गई हैं। जनरली वो पेंसिल पकड़ना सीख चुके थे, स्पेसिफिकली वो ड्राइंग करना सीख चुके हैं, जनरली वो कैंची पकड़ना सीख चुके थे, स्पेसिफिकली वो अब कटिंग सीख रहे हैं, अपनी पसंदीदा या अपने रिक्वायर्ड शेप्स में पेपर को कट करना, या फिर अपने जो आप देखें कि वो चलना फिरना सीख चुके थे, उनकी एक मोटर स्किल थी कि वो वॉक करना सीख चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो दौड़ना सीख रहे हैं, यहाँ पर वो कोई गेम करना सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कहें तो वो बोलना सीख चुके थे जनरली,
लेकिन अब वो स्पीच और डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर में हिस्सा ले रहे हैं, अपना इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जब वो अपने आप को रिफाइन करें तो उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं जनरल टू स्पेसिफिक, और दे कंटिन्यू टू डेवलप इम्प्रूव ग्रॉस मोटर स्किल्स थ्रू एज 7 एंड बियॉन्ड। वो अपनी इस जो मोटर स्किल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट या उनको स्पेसिफाई करते चले जाते हैं 7 साल की उम्र तक और उससे भी आगे। दिस रिजल्ट इज़ रिफाइन फाइन मोटर स्किल्स फॉर चिल्ड्रन विद ग्रेटर प्रिसिशन। द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स इज़ क्रूशल फॉर अदर एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स इंक्रीज फिजिकल कंट्रोल एंड स्किल्स सच एज राइटिंग पेंटिंग। ये मिसाल मैं आपको इसकी पहले बता चुकी हूँ कि जैसे वो पेंसिल पकड़ना सीख चुके थे, अब वो स्केच बनाना सीख चुके हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इन स्कूल, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को स्कूल में करवाई जाएँ तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में वो एक अहम किरदार अदा करती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट इन डिवेल्पिंग द बेसिक मूवमेंट स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन सेडेंटरी एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि आप उन्हें स्कूल के चेयर टेबल पर बिठा दें या डेस्क बेंच पर बिठा दें और वो लॉन्ग टाइम बैठ कर पढ़ते रहें। उनको 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 फिजिकली एक्टिव एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं जिनमें वो बच्चे घूम फिर सकें, चल फिर सकें, भाग दौड़ सकें। तो इस तरह के बच्चों की, क्योंकि ये फिजिकल नीड है, बच्चों की फिजिकल नीड है कि फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट उनकी हो रही है उस दौरान उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएं जिसमें वो ना तो बोर हों बल्कि वो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल भी हो। सो इट इज़ नेसेसरी टू एंगेज देम इनटू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एक तो प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन एक्टिविटीज़ हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए हैं, जो 5 साल तक के छोटे, 5 साल से छोटे लेवल के बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो स्कूल में क्या क्या करवाई जा सकती हैं। और उसके अलावा दूसरी एलिमेंट्री लेवल की हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर पहले एक तस्वीर में आप देख रहे हैं ब्लू ड्रेस में 4 बच्चियां हैं जो मुख्तलिफ साइकोमोटर स्किल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से दी गई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उनको टीचर्स, जैसे ब्लॉक्स जो हैं उनको अरेंज करना और उसको उसको फिर शेप्स बनाना उसकी मदद से डिफरेंट। इसी तरह से अपनी दूसरी तस्वीर में आप हैंड एंड आइज़ की कोऑर्डिनेशन वाली तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे आपको पेस्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर डिजिट्स की, 1 2 3 4 की, और इस तरह से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में लॉन में प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ ब्लॉक की तरतीब देकर। ये सारी साइकोमोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट की, जिसमें साथ साथ फिजिकल एक्टिव डेवलपमेंट भी हो रही है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। एलिमेंट्री लेवल पे हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कंटिन्यू टू डेवलप देयर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, दे बिकम एक्सपर्ट इन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर प्रिशियस हैंड्स एंड प्रिसाइज हैंड एंड बॉडी कंट्रोल। हाँ, यहाँ पर बच्चे जो एलिमेंट्री लेवल है यहाँ पर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने हाथों और बॉडी कंट्रोल के साथ दी गई जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर पाएँ। डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्कूल रूटीन टू मेंटेन एक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट। जिस तरह के हम देखते हैं कि स्कूल असेंबली के दौरान, अगर हम असेंबली के बाद थोड़ी देर के लिए उनको कोई वर्कआउट करवाते हैं, पीटी करवाई जाती है बच्चों को, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी की एक एग्जाम्पल है। दिस कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, यानी उनको लेक्चर भी दिए जा सकते हैं जिसमें उनको कुछ थोड़ा, यानी अगर आप 30 मिनट का पीरियड है उसमें 5 7 मिनट के लिए उनको इंट्रोडक्शन दें जो एक्टिविटी उस दिन करवाने जा रहे हैं और उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स बताएं, उसका प्रोसीजर बताएं, और उसके बाद उनको बाकी जो 25 मिनट हैं उसमें वो एक्टिविटी करवाई जाए।
इंटीग्रेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज इनटू अदर एरियाज ऑफ करिकुलम, आप करिकुलम में जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें उसके थ्रू, जैसे अगर आपको लगता है कि आप इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, मन उसमें बच्चों के लिए चैप्टर आ गया है कि वज़ू का तरीका, तो आप उसको प्रैक्टिकली जाकर बच्चों को अगर करवाएंगे तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, और बाय डूइंग दे कैन लर्न बेटर वज़ू का तरीका। यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ गेम्स स्पोर्ट्स के हवाले से तस्वीर आपके सामने हैं, प्ले किस तरह से बच्चे करते हैं और किस तरह से उनकी साइकोमोटर स्किल्स के साथ साथ फिज़िकल डिवेलपमेंट भी हो रही है। आई होप यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर यू। गुड लक, थैंक यू एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।